इंसान अपनी दरिंदगी में किसी भी जानवर को पीछे छोड़ सकता है, और कुछ ऐसी ही आज की कहानी है विंड रिवर, जो एक दमदार मिस्ट्री थ्रिलर है। ये मूवी लूजली बेस्ड है अमेरिका के इंडियन रिजर्वेशन में रहने वाली लड़कियों के मर्डर और डिसअपीयरेंस पे। वर्ल्ड नोन एवेंजर्स हॉकी और वांडा साथ में हैं, तो मूवी की कास्टिंग ऑलरेडी बेहद सॉलिड है और स्टोरी कितनी ग्रिपिंग है ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। पर हमेशा की तरह इस गरीब की रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन हिट करके ही जाइएगा। तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि रात में एक लड़की नंगे पैर बर्फ में भाग रही है। ठंड और फ्रॉस्ट बाइट के दर्द से वो गिर के रोने लगती है, पर वो लड़की हार नहीं मानती और भागती रहती है। अगली सुबह हम एक हंटर को देखते हैं जो एक भेड़िए को मार के आता है। इस हंटर का नाम है कोरी, जो इस वादी के जंगली जानवरों को हंट करके पालतू जानवरों को बचाता है। कोरी अपनी एक्स वाइफ विल्मा के घर अपने बेटे को पिक करने जाता है, जिसे आज वो अपने फादर इन लॉ से मिलाने इंडियन रिजर्वेशन ले जा रहा है। विल्मा उसे बताती है कि वो दूसरे शहर में जॉब देख रही है, और हम इन दोनों डिवोर्स कपल के बीच में एक गहरी टेंशन फील करते हैं। कोरी अपने बेटे को लेके अपने फादर इन लॉ के यहाँ आता है। उसका फादर इन लॉ उसे बताता है कि कोई जंगली जानवर यहाँ शिकार कर रहा है, और वो कोरी को उसे हंट करने को कहता है। कोरी उस जानवर के फुटप्रिंट्स ट्रैक करने लगता है, पर एक जगह पे उसे खून के निशान मिलते हैं। कोरी अपनी गन निकाल के केयरफुली आगे बढ़ता है, जब उसे एक डेड बॉडी दिखाई देती है। ये डेड बॉडी उसी लड़की की है जो एक रात पहले बर्फ में भाग रही थी, और कोरी तुरंत लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करता है। थोड़ी देर में एक बर्फीला तूफान स्टार्ट हो जाता है और कोरी शहर के शेरिफ बेन से डेड बॉडी वाली जगह फिर से विजिट करने को कहता है, ताकि पैरों के निशान या कोई सुराग बर्फ में छुप न जाए। पर शेरिफ बेन कहता है कि FBI के आने तक उन्हें बॉडी के पास जाने की परमिशन नहीं है। कुछ देर के बाद एक FBI एजेंट वहां आती है, जिसका नाम जेन होता है। जेन उन्हें डेड बॉडी वाली साइट पे चलने के लिए कहती है, पर शेरिफ और कोरी उसे कहते हैं कि इन कपड़ों में तो तुम वहां पहुंचने से पहले ही ठंड से मर जाओगी। कोरी के इनलॉज जेन को अपनी पोती के कपड़े देते हैं और कहते हैं कि प्लीज इन्हें वापस कर देना। तभी हम एक फोटो देखते हैं जिसमें कोरी की बेटी ने यही सेम कपड़े पहने हुए हैं। जेन जब बाहर आती है तो कोरी कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो जाता है, जेन को अपनी मर चुकी बेटी के कपड़ों में देख के। कोरी जेन को अपनी स्नोमोबाइल पर बिठा के उसे डेड बॉडी के पास ले जाता है। वो डेड बॉडी वहां पास ही रहने वाली एक लड़की नैटली की होती है। जेन डेड बॉडी को एग्जामिन करके इस केस को होमिसाइड डिक्लेयर कर देती है। कोरी जेन को बताता है कि उसके फुटप्रिंट से ये पता चलता है कि नैटली किसी चीज या जानवर से भाग रही थी, और ठंड में नंगे पैर भागने और लंग्स में खून भर जाने की वजह से यहाँ गिरी होगी। जेन कोरी को इस केस में असिस्ट करने को कहती है, क्योंकि वो इस एरिया का एक अच्छा ट्रैकर और यहाँ का लोकल होता है। शाम को कोरी का बेटा पूछता है कि क्या नैटली भी उसकी बड़ी बहन एमिली की तरह मारी गई है। कोरी हाँ कहता है और कहता है कि उन दोनों को ही इस वादी की ठंड ने मारा है। अगले दिन जेन को पोस्टमार्टम करता हुआ डॉक्टर बताता है कि नैटली का मरने से पहले मल्टीपल टाइम्स रेप हुआ था, और उसके सर पे भी चोट के गहरे निशान हैं। पर जेन की उस डॉक्टर से बहस हो जाती है, क्योंकि नैटली की मौत जख्मों से नहीं बल्कि नंगे पर बर्फ में चलने और ब्लड वॉमिट से हुई थी, और इसीलिए डॉक्टर इसे होमिसाइड डिक्लेयर नहीं कर सकते। जेन बेहद नाराज होती है, क्योंकि होमिसाइड ना होने की वजह से अब वो FBI की टीम नहीं बुला सकती, और उसे खुद ही इंडियन रिजर्वेशन की पुलिस के साथ ये केस सॉल्व करना पड़ेगा। जेन शेरिफ के साथ नैटली के घर आती है और उसके फादर मार्टिन से पूछताछ करती है। अपनी बेटी की रीसेंट हुई डेथ से मार्टिन काफी गुस्से में होता है, और उसे जेन के क्वेश्चंस बेहद फिजूल लगते हैं। तभी कोरी वहां आता है और मार्टिन
उसे गले लगा के रो पड़ता है। कोरी ने भी मार्टिन की ही तरह अपनी जवान बेटी को खोया होता है और वो मार्टिन से अपनी फीलिंग्स ना दबाने के लिए कहता है। मार्टिन कहता है कि अब उसके पास जीने का कोई रीजन नहीं बचा है, उसकी बेटी मर चुकी है, फाइफ डिप्रेशन में पागल हो गई है और एक बेटा है जो ड्रग एडिक्ट है और सालों से घर नहीं आया है। मार्टिन कहता है कि उसके बेटे को जरूर नैटली की डेथ के बारे में कुछ पता होगा। वो कोरी से प्रॉमिस मांगता है कि अगर वो नैटली के किलर को ढूंढ लेता है तो वो उसे जिंदा ना छोड़े। शेरिफ बेन, जेन और कोरी एक आइसोलेटेड से घर में नैटली के भाई से पूछताछ करने जाते हैं। जेन और शेरिफ मेन डोर नॉक करते हैं और कोरी घर के पास नजर रखता है। एक ड्रग से हाई लड़का दरवाजा खोलता है और उन दोनों के मुंह पे पेपर स्प्रे छिड़क देता है। जब उस घर में से दो लड़के पीछे के दरवाजे से भागने का ट्राई करते हैं तो कोरी उन्हें गिरा के काबू में कर लेता है। जेन ऑलमोस्ट अंधी हालत में घर में एंटर करती है और एक लड़का उस पर फायर करता है। जेन डक करके रिटर्न फायर में उसे मार गिराती है। अरेस्ट हो गए नैटली के भाई चिप को पता चलता है कि वो मर चुकी है। कोरी जेन को बताता है कि वो कितनी अनएक्सपीरियंस है और वो उसे एक स्नोमोबाइल के निशान दिखाता है जो उस रास्ते पे होते हैं जहां उन्हें नैटली की बॉडी मिली थी। वो दोनों उन ट्रैक्स को फॉलो करते हैं और कुछ दूर पे पेड़ों के पास उन्हें एक और डेड बॉडी मिलती है जिसे जानवरों और चीलों ने आधा खा लिया होता है। कोरी नैटली के भाई चिप से बात करता है। चिप उसे बताता है कि नैटली अपने से कुछ साल बड़े एक आदमी को डेट कर रही थी जो पास ही के एक ड्रिलिंग रेंज में सिक्योरिटी गार्ड है। कोरी अपनी एक्स वाइफ विल्मा से मिलता है और बताता है कि नैटली के मर्डर का उनकी बेटी एमिली की डेथ से कोई रिलेशन नहीं है। विल्मा कुछ नहीं कहती और उसके मुंह पे डोर बंद कर देती है। जेन कोरी से मिलकर बताती है कि जो दूसरी डेड बॉडी उन्हें मिली है वो किसी मैट नाम के आदमी की है जो ड्रिलिंग रेंज में एक सिक्योरिटी गार्ड है। कोरी जेन को अपने घर में इनवाइट करता है और बातों बातों में वो उसे अपनी बेटी एमिली के बारे में बता देता है। कोरी बताता है कि उसकी बेटी एमिली और नैटली बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। एक रात वो और उसकी वाइफ विल्मा अपने बेटे को एमिली के साथ छोड़ के डिनर करने शहर गए थे जब एमिली ने घर पे एक पार्टी रख ली और उनके घर पार्टी में कई ऐसे लोग भी आ गए जिन्हें एमिली जानती नहीं थी। उसे अगली मॉर्निंग नैटली का फोन आया कि एमिली मिसिंग है और कई दिन के बाद एक शेफर्ड को उनके घर से 30 किलोमीटर दूर उसकी बॉडी मिली जो जानवरों ने आधी खा ली थी। कोरी के हिसाब से यहाँ जवान लड़कियों का मरना या गुम जाना बेहद आम बात बन चुकी है। वो उसे बताता है कि चिप के अकॉर्डिंग वो सिक्योरिटी गार्ड मैट नैटली का बॉयफ्रेंड था और जरूर इन मर्डर्स का ड्रिलिंग रेंज वाली जगह से कोई कनेक्शन है। अगले दिन कोरी और जेन शेरिफ बेन और कुछ लोकल पुलिस डेप्यूटीज के साथ ड्रिलिंग रेंज जाने के लिए रेडी होती हैं। जेन और पुलिस की कार्स ड्रिलिंग रेंज की तरफ जाती हैं और कोरी एक हाई ग्राउंड लेके उन्हें कवर करने का सोचता है। जेन और पुलिस जब सिक्योरिटी गार्ड से मैट के बारे में पूछते हैं तो वो लोग कहते हैं कि मैट दो रात पहले अपनी गर्लफ्रेंड नैटली से लड़के यहां से निकला था और अब तक वापस नहीं आया है। उनके चेहरे पे चोट के निशान देख के जेन को उन पे डाउट होता है पर वो कहते हैं कि बिना हेलमेट के काम करने से ये निशान बने हैं। जेन मैट का ट्रेलर चेक करने के लिए उनके साथ आगे बढ़ती है। एक गार्ड नैटली की डेथ पे अफसोस करता है पर जेन उससे पूछती है कि अब तक तो किसी ने ये कहा ही नहीं कि नैटली मर चुकी है, तो वो गार्ड कहता है कि शायद उसने ये पुलिस रेडियो पे सुना था। सबके बीच में सस्पेशन और टेंशन बढ़ने लगती है और एक पुलिस वाले को फील होता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस और गार्ड्स एक दूसरे पे अपनी गन्स तान देते हैं। जेन बीच में आके सबको शांत करती है और वो सारे अपनी गन्स नीचे करके मैट के ट्रेलर की तरफ जाते हैं। ट्रेलर अंदर से लॉक होता है और जेन डोर नॉक करती है और तभी स्टोरी दो रात पहले फ्लैशबैक में आ जाती है जहां नैटली जेन की ही तरह इस ट्रेलर का डोर नॉक करती है और मैट उसके लिए दरवाजा खोलता है। बाकी सारे गार्ड्स बाहर शहर में गए होते हैं
और मैट अकेला होता है, जिसके बाद वो दोनों एक क्लोज इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हैं, जहां मैट नैटली को एक नए शहर में शिफ्ट होने के बारे में बताता है। ये दोनों अपने फ्यूचर के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि सारे गार्ड्स टाइम से पहले वापस आ जाते हैं। सब ने काफी ड्रिंक की होती है और स्पेशली पीट बेहद ज्यादा नशे में होता है। वो नैटली को अंडरगार्मेंट्स में देख के उसे टीज करता है, पर मैट उसकी बढ़ती हरासमेंट से तंग आके उसे लात मारता है और धक्का मार के पीछे हटने को बोलता है। पीट मैट से लड़ने लगता है और मैट उसे मारता है, पर बाकी सभी गार्ड्स पीट का साथ देते हैं और मैट के ऊपर हावी होने लगते हैं। वो नैटली को मार के बेहोश कर देते हैं और मैट को पीटने लगते हैं। नैटली को जब होश आता है तब पीट उसका रेप कर रहा होता है। मैट होश में आते ही नैटली को बचाने के लिए ड्रिल वर्कर से लड़ पड़ता है और सब उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। नैटली जल्दी से अपने कपड़े ठीक करके वहां से भाग जाती है, पर वो गार्ड्स मैट को पीट पीट के मार डालते हैं। सीन वापस प्रेजेंट में स्विच हो जाता है, जहां जेन ट्रेलर का डोर नॉक कर रही होती है। गार्ड कहते हैं कि अंदर उनका फ्रेंड पीट शायद सो गया है। ठीक उसी वक्त ट्रेलर से कई मीटर दूर कोरी को एक गुफा मिलती है, जहां एक फीमेल कूगर यानी माउंटेन लायन अपने बच्चों के साथ होती है, और ठीक उस गुफा से स्नोमोबाइल के ट्रैक्स ड्रिलिंग रेंज की तरफ जा रहे होते हैं। कोरी अब समझ जाता है कि दरअसल उन गार्ड्स ने ही मैट को मारने के बाद उसकी बॉडी को इस गुफा में फेंका था, पर लॉयन के बच्चों ने उसे पूरा ना खा के बाहर फेंक दिया होता है। कोरी फौरन जेन को कॉल करता है, पर वहां नेटवर्क बेहद वीक होता है। वो शेरिफ बेन को रेडियो पे सब बताता है, पर इससे पहले कि शेरिफ जेन को कुछ समझा पाए, अंदर से पीट जेन पे फायर करता है। गोली चलते ही सब एक दूसरे पे फायर ओपन कर देते हैं। जेन भी एक गार्ड को मार डालती है, पर ट्रेलर के अंदर से पीट एक ऑटोमेटिक राइफल से बाहर खड़े पुलिस वालों को शूट कर देता है। एक गार्ड सारे घायल पुलिस वालों को एग्जीक्यूट करने लगता है। वो जेन की हैंडगन छीन के उसे भी शूट करने वाला होता है कि तभी कोरी दूर से उसकी चेस्ट में होल कर देता है। जेन ट्रेलर के नीचे छुप जाती है और कोरी अपनी स्नाइपर राइफल से बचे हुए गार्ड्स को एक एक करके शूट करता है। पीट अब अकेला रह जाता है और ट्रेलर से निकल के भागने लगता है, जब जेन उसे शूट करती है, पर वो क्रिटिकली घायल नहीं होता और अभी भी भागता रहता है। कोरी जेन के पास पहुंच के उसका गनशॉट वुंड देखता है, जो बुलेट प्रूफ वेस्ट ने रोक लिया होता है। जेन कोरी को पीट के पीछे जाने के लिए कहती है, पर कोरी कहता है कि वो पीट को जिंदा वापस नहीं लाने वाला, और जेन समझ के उसे अप्रूवल देती है। घबराई हालत में पीट जंगल में भाग रहा होता है, जब कोरी उसे फ्लैंक करके बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाता है। पीट को जब होश आता है तब वो अपने ट्रेलर से बेहद दूर एक बर्फीले पहाड़ पे होता है, और कोरी ने उसके जूते और सॉक्स भी निकाल लिए होते हैं। कोरी उससे कहता है कि अगर वो उस रात के बारे में सब कन्फेस करेगा तो कोरी उसे यहां से जाने देगा। पीट रोते हुए नैटली का रेप और मैट को मारने की बात कबूल करता है, और एज प्रॉमिस्ड कोरी उसे जाने देता है, पर नंगे पैर पीट 100 मीटर भी नहीं चल पाता और ठीक नैटली की तरह ब्लड वॉमिट करने लगता है और वहीं पे मर जाता है। कोरी हॉस्पिटल जाके जेन से मिलता है, जहां वो उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स करती है। वो मार्टिन से भी जाके मिलता है, जो अपने बैकयार्ड में नेटिव अमेरिकन डेथ मास्क लगा के बैठा होता है। वो बताता है कि आज शायद सब खत्म हो जाता, पर आज उन्होंने नैटली को इंसाफ दिला दिया, और एक साल के बाद चिप का भी पहली बार जेल से कॉल आया है। दोनों साइलेंटली वहीं बैठे रहते हैं और इसी नोट पे ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी के एंड में हम एक नोट देखते हैं, जो बताता है कि यूएस के मिसिंग पर्सन डेटाबेस में नेटिव अमेरिकन फीमेल्स का कहीं नाम ही नहीं है, और अक्सर ये फीमेल्स ऐसी ही मिसिंग हो जाती हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और थ्रिलर मूवी के लिए लेफ्ट क्लिक करना, और अगर प्रिजन मूवीज का शौक है तो प्लीज क्लिक ऑन राइट। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।